एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है।
जेको करे चित लाए, जेको करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है। गुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा सफल है, जिको करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विच्चों जाए। गुरु की सेवा, अपने सतगुरु के घर की जब सेवा कोई करता है ना मन करके, तो उस सेवा का बड़ा फल मिलता है उसको, कि उसका अहंकार मन में से चला जाता है। प्यार से बोलो श्री, पर सेवा करे सच्चे मन से, चित लगा, ऊपरले मन से सेवा ना कर। ऊपरले मन से सेवा करेगा तो मन में अहंकार आएगा, मेरे जैसा कौन है गुरु के घर में सेवा करने वाला। प्यार से बोलो श्री। हम तो सेवा भी तब करते हैं आके जब देखें भाई सब लोग देख रहे हैं हम गुरु के घर में झाड़ू दे रहे हैं, हम बर्तन मांज रहे हैं, हम लंगर पका रहे हैं, सब देखें हमको, हमारी ये वृत्ति है। जिस सेवा में निष्काम भावना होगी वही सेवा गुरु के दर पे परवान हो जाएगी। प्यार से बोलो श्री। सेवा तीन प्रकार की होती, गुरु के घर में आके कोई तन से सेवा करे, कोई मन की सेवा करे, कोई धन से सेवा करे। सबसे उत्तम सेवा धन की सेवा, ये तो कोई भी कर लेगा, जिसके पास धन है वो भी कुछ ना कुछ गुरु के घर में आके प्रोग्राम में खर्च कर देगा, भाई मेरा भी नाम बुल जाए। प्यार से बोलो श्री। इसके बाद है मन की सेवा, कोई बीमार है नहीं आ सकता सत्संग में, घर में बैठा है, मन उसका इधर ही है और अपने गुरु का घर बैठ के सिमरन कर रहा है और कहता है सतगुरु मैं बीमार हूं, इस वक्त मजबूर हूं, दूर बैठा हूं, नहीं तेरे पास पहुंच सकता, मैं इधर ही बैठ के तेरा सिमरन कर रहा हूं, अपने समागम में, अपने प्रोग्राम में, अपने चरणों में आज मेरी भी हाजिरी लगा लेना। प्यार से बोलो श्री। ये मन करके सेवा, संत की सेवा नाम तिहाई है। एक है तन करके सेवा, शरीर गुरु ने बख्शा है निरोग है, धन बख्शा है गुरु ने कृपा है, धन लगाया सेवा में और तन को लगाया गुरु की सेवा में। प्यार से बोलो श्री। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, तीसरे गुरु नानक, जब आपको गुरु नानक की गद्दी प्राप्त नहीं हुई सी, ये तब का जिक्र सुनाता हूं। आपका नाम था बाबा अमरदास, बासर के पिंड में रहते थे, उस गांव में आपकी एक छोटी सी दुकान थी, पर आपका नित नेम था हर साल हरिद्वार जाना, गंगा के स्नान करके आना। प्यार से बोलो श्री। एक बारी नहीं, इतिहास में लिखा है तकरीबन 21 बार गुरु अमरदास जी हरिद्वार गंगा के स्नान को गए। आज जब जा रहे थे गंगा स्नान को हरिद्वार, रस्ते में एक बैरागी साधु का
मिलाप हो गया। साधु ने देखा बाबा अमरदास का रूप बहुत सुंदर है, आपकी बोलचाल बड़ी मिठास भरी है, जबान से जो शब्द निकलता है ऐसे लगता है कानों में रस घोल रहा है। प्यार से बोलो श्री। आपका उठना बैठना चलना बहुत ही अच्छा, बहुत ही भला। बैरागी साधु के साथ संग हो गया, सारा दिन साथ रहे, रात को एक धर्मशाला में रुके क्योंकि सुबह फिर चलना था यात्रा पे। रात को बैरागी साधु जब इकट्ठे हुए बाबा अमरदास जी के साथ विचार चल पड़ा तो बैरागी साधु बोला, बाबा अमरदास तेरा गुरु कौन है? बाबा अमरदास जी कहने लगे, अभी तो मैंने गुरु धारण ही नहीं किया। प्यार से बोलो श्री। बैरागी साधु कहने लगा, हैं, आपने गुरु ही नहीं धारण किया अभी तक? सारा दिन मैंने आपका संग किया, आपके हाथ से लेके जो मैंने जल भी पिया, खाना खाया, मेरा जितना जप तप सिमरन था सब खत्म हो गया। प्यार से बोलो श्री। मैंने एक निगुरे के हाथ से पानी पी लिया, भोजन कर लिया। निगुरा इंसान जिस धरती पे बैठता है वो धरती भी खराब हो जाती। आपका गुरु कोई नहीं बाबा अमरदास, ये कह के बैरागी साधु उनको छोड़ के वहां से चला गया। सारी रात नींद नहीं आई। प्यार से बोलो श्री। बैरागी बाबा की बात बाबा अमरदास के हृदय पे चोट लगा गई, मेरा गुरु कोई नहीं। बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोला। बाबा अमरदास जी बोलने लगे, बाबा अमरदास जी कहने लगे, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बैरागी साधु बोला, तो क्या हुआ, इस बात की गारंटी भगवान के पास कौन देगा, ये गुरु ही नहीं बीच में। प्यार से बोलो श्री। मैंने कभी दुकान पे कम नहीं तोला ग्राहक को। बैरागी बाबा बोला, इस बात की कौन जिम्मेवारी लेगा परमात्मा की दरगाह में, क्योंकि तुम्हारा गुरु ही कहीं है। मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया। बोला, क्या हुआ, ये तो सब सिफरे हैं सिफरे, जीरो है जीरो। जितने दुनिया के कर्म हैं, कोई चेक के ऊपर 5 जीरो डाल दे, रकम बनेगी कभी? बाबा आनंद सिंह जी बोलते थे, इसके आगे 1 लिख दो, जितनी जीरो डालोगे उतना कई गुना बन जाएगी रकम। इसी तरह जितने कर्म करते जा रहे हो, ये तुम्हारा गुरु साथ है तो वो कर्म कई गुना बन जाएंगे। रकम के आगे 1 लग जाए ना, 5 जीरो हो, 1 लाख रुपया बने, और डालो 10 लाख, 1-1 जीरो डालते जाओगे 10-10 गुना बनती जाएगी। इसी तरह जे गुरु तुम्हारे साथ है, जितनी सेवा करोगे गुरु उसका कई गुना करके तुम्हारी झोली में दोबारा डाल देगा। गुरु की सेवा करो दिन रात, गुरु की सेवा करो दिन रात। सारे जपो जी, साथ संगीत। यहां कोई मुश्किल बन जाए इंसान पे, कोई केस दायर हो जाए तो वकील की जरूरत पड़ती है, वकील की। और जितना अच्छा समझदार वकील होता है उतनी जल्दी उस केस को सॉल्व करा देता है। इसी तरह परमात्मा की दरगाह में जाओगे वहां भी वकील की जरूरत पड़ेगी, और वकील वो कौन है, वो है तुम्हारा सतगुरु। प्यार से बोलो श्री। तुम्हारा सतगुरु वहां वकील बन के धर्मराज के आगे पेश होगा और कहेगा, हे धर्मराज,
जिस प्राणी का तुम लेखा पूछ रहे हो, ये रोज मेरे सत्संग में बैठ के मेरे साथ प्रभु का सिमरन करता था। प्यार से बोलो श्री। कोई तो जरूरत पड़ेगा ना वहां पे। वाणी में कहा है, जैसा सत गुर सुनी दा तैसोगी मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दर के का बसीठ, हर नाम मंत्र दृढ़ाइंदा कटे हो मेरो गुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। गुर की सेवा करो दिन रात, गुर की सेवा करो दिन रात। सारे बोलो जी सेवा। बाबा अमरदास जी ने मन में सोचा, मेरा तो गुरु ही कोई नहीं, तो फिर सेवा सेवा मैंने कहां की? गुरु हो तो सेवा करूं, अब किसको गुरु धारण करूं, किसको अपना गुरु बनाऊं? मन उदास हो गया, सारी रात इस चिंता में नींद ही नहीं आई। प्यार से बोलो श्री। कोई चिंता लग जाए ना मन को, नींद नहीं आती। ये कथा ये वचन गुरु के हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी बड़ोदरा की प्यारी, गुरु की प्यारी सिंधी संगत, गुजरात की संगत बैठी है जो ठेठ पंजाबी नहीं समझती, इसलिए ये गुरु के वचन और कथा हिंदी में कर रहे हैं कि साथ संगत को कुछ वचन गुरु के समझ आ जाएं। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी को सारी रात नींद नहीं आई, अमृत वेला हुआ, अमृत वेला, स्नान किया, तैयार हुए चलने के लिए। एक कदम आगे चलता है कि जाऊं गंगा स्नान को, फिर एक कदम पीछे होता है, मन में सोचते हैं कितने भी कर्म किए मैंने पर मेरा गुरु कोई नहीं, मेरी दरगाह में हाजिरी कौन देगा, कौन कहेगा किसने ये कर्म किए थे, पहले तो गुरु धारण करूं फिर कर्म शुरू करूंगा। अभी बैठे ही थे, उसी धर्मशाला का एक जो मुखी था पंडित, गुरु अमरदास जी के, बाबा अमरदास जी थे जो तब, बाबा अमरदास जी के कमरे में आया। बाबा अमरदास जी अपना सज्जा चरण अपने गोढ़े पे रख के बैठे थे, जिस वक्त आके उसने चरणों के अंदर पद्म देखा तो वो पंडित कहने लगा, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप कोई पूर्ण संत हैं, पूर्ण महापुरुष हैं। प्यार से बोलो श्री। क्योंकि आपके चरणों में मैं वो पद्म देख रहा हूं जो पद्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में था। बाबा अमरदास जी कहने लगे, भाई मैं तो बासर के पिंड का रहने वाला एक छोटा सा दुकानदार हूं, मैं कोई पूर्ण पुरुष नहीं, कोई संत नहीं, कोई अवतार नहीं। वो पंडित कहने लगे, मेरी ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, मैं अनुमान लगा के ये बता सकता हूं कि अगर आप नहीं बने पूर्ण संत, अभी तक अवतार की गिनती में नहीं आए, तो समा आएगा आप दुनिया में अवतारों में कहलाओगे। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी सोचने लगे, कल तो एक बैरागी बाबा मिला, वो कहता तेरा गुरु ही कोई नहीं, तू निगुरा है, और ये बोलता है तू अवतार बनेगा। बोला, बड़ी उम्र हो गई 60 वर्ष के करीब, अब तो चलने की तैयारी है दुनिया से। बोला, नहीं बाबा अमरदास, जे मैं आपकी हस्तरेखा देखता हूं तो आपकी आयु भी 100 वर्ष से ज्यादा है। प्यार से बोलो श्री।
सौ वर्ष से भी आप ज्यादा उम्र है आपकी। मेरी ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, बाबा अमरदास जी समझे कई खुशामद करने के लिए पैसे मांगने आ जाते हैं। भाई कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, ज्यादा खुशामद मत करो मेरी, मैं तो आगे सारी रात चिंता में नींद नहीं किया। वो पंडित जी कहने लगे, नहीं बाबा अमरदास अभी नहीं लूंगा पैसे, जब आप अवतार के लाओगे, शहनशाहों के शहनशाह के लाओगे तुम्हारे दरबार में आके, उस दिन मैं झोली भर के ले जाऊंगा, उधार करता हूं अपना। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी वहीं से लौट के घर आ गए। जिस वक्त घर आए, मन बेचैन है, सारी रात बीत गई, नींद नहीं पड़ती। बैरागी बाबा के मन में जो वचन रख गया, तू निगुरा है, बस वहीं ख्याल जाता है। अमृत वेला हुआ तो बाबा अमरदास जी को अपने घर में से जपजी साहब की बाणी सुनाई दी। प्यार से बोलो श्री। ऊपर से देखा, अपने कमरे से, छत पे रहते थे, देखा तो भाई उनके भाई साहब की नूह, उनके भाई साहब की बहू बीबी अमरो, जो गुरु अंगद देव जी की बेटी थी, इनके घर में ब्याह के आई थी। अमृत वेले उठ के वो स्नान करके दही रिड़क रही थी और साथ में जपजी साहब जी का पाठ कर रही थी। प्यार से बोलो श्री। ऐसी गुरु की मधुर वाणी सुन के बाबा अमरदास जी नीचे आए, बीबी अमरो के पास आ खड़े हुए और कहा, बेटी ये किसकी वाणी पढ़ रही हो? बीबी अमरो बोली, ये श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है, जपजी साहब जिनकी पवित्र गद्दी पे इस वक्त मेरे गुरु पिता गुरु अंगद देव जी बैठे हैं। प्यार से बोलो श्री। बेटी मुझे भी गुरु की भाल है, मुझे भी गुरु करना है, धारण करना है, कृपा कर मुझे अपने गुरु पिता के पास ले चल। बीबी अमरो बोली, ले तो चलती पिताजी, आप भी मेरे पिता के समान हैं, ससुर के भाई हैं, पिता समान हैं। पर जब मेरे गुरु पिता ने मुझे डोली में रखा, डोली में डाला, इस घर में भेजने लगे मायके से ससुराल, तो कहा, बेटी पिता के तीन वचन याद रखना, एक तो बिना बुलाए कभी पिता के घर में ना आना। प्यार से बोलो श्री। जो माताएं अपनी बेटियों के घर में दखल देती हैं ना, उनकी बेटियां कभी भी ससुराल में जाके सुखी नहीं बसती। प्यार से बोलो श्री। बेटी को ऐसे आदर्श, बेटी को ऐसे गुण दे के घर से भेजो मायके से ससुराल की तरफ, कि जिस वक्त वो ससुराल में पहुंचे तो मायके की गुण, मायके के दिए हुए आदर्श उसके सारी ससुराल में फैलें और आप वो सब कहें कि इसके माता पिता भी धन्य हैं। साथ संगीत बोलो श्री। मुझे पिता ने कहा बिना बुलाए नहीं आना, तीन वचन मुझे साथ में दिए, बेटी तीन भब्बों की पढ़ाई पढ़। अब तू मायके से ससुराल चली है, बड़े घर का मान लेके ससुराल में मत जाना। पहला भब्बा, कोई वहां गलती हो जाए तो बड़ों से भूल मांग लेना, मैं भूल गई। प्यार से बोलो श्री। आज ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं भूल गई, बड़ा मुश्किल है ये काम। कह देना, बेटी मैं भूल गई, सारे झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरा भब्बा याद रखना, बड़े कोई आज्ञा करें तो कहना, भला जी, अच्छा पिताजी माताजी अभी काम करती हूं। पहला भब्बा भूल गई, दूजा भब्बा भला जी, और तीसरा भब्बा भाणा, जैसा समा जीवन में आए सतगुरु की कृपा से शुक्र करके गुजारना। प्यार से बोलो श्री। ये संदेश बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, स्त्री अपने पति के आगे तीन भब्बे पढ़ ले, पुत्र अपने पिता के आगे ये तीन भब्बे पढ़ ले, और सेवक अपने गुरु के आगे ये तीन भब्बे पढ़ ले, इसी धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। आज घरों में कल क्लेश क्यों है, तू तू मैं क्यों है?
एक दूसरे का सत्कार नहीं, आपस में प्यार नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, एक दूसरे को नीवा दिखाना, मन में ईर्ष्या करनी, इसलिए घरों में ये आजकल कल क्लेश है। जे घर में बहू आई है तो उसको बेटी समझ, ऐसा प्यार दे कि तेरी बहू बाहर जाके कहे मैं सास के पास नहीं रहती, वो तो मेरी माता जी हैं। प्यार से बोलो श्री, मुझे मां से भी ज्यादा यहां प्यार मिला, पिता से भी ज्यादा यहां प्यार मिला, अब तो मेरा यही घर है। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी कहने लगे, बेटी मैं भी तो तेरे पिता का समान हूं, पिता के समान हूं, मेरा मेरी बिनती मान, मुझे ले चल। सत बचन खंडूर साहब बाबा अमरदास जी को लेके बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी की बेटी आई, कहा पिताजी आप बाहर खड़े हो जाओ, मैं अपने गुरु पिता से पूछ के आऊं। अंदर जिस वक्त गई घर में, गुरु अंगद देव जी ने आते ही कहा, बेटी बिना बुलाए पिता के घर क्यों आई हो? प्यार से बोलो श्री। ये नहीं पूछा क्या हाल है बेटी, बहुत दिन बाद आई हो। पहला सवाल गुरु अंगद देव जी ने कहा, बिना बुलाए क्यों आई? नेत्रों में जल आ गया, पिताजी आपका कहना मैं कभी ना टालती, पर मेरे ससुर के भाई गुरु अमरदास जी आपका दर्शन करना चाहते थे, मैं उनका कहना मान के आई हूं। तो अंतर्जामी सतगुरु बोले, जे बाबा अमरदास जी को साथ लाए हो बेटी तो बाहर दरवाजे पे क्यों खड़ा कर दिया? प्यार से बोलो श्री। उनको भी अंदर ला। बाबा अमरदास जी अंदर आए, गुरु अंगद देव जी के दर्शन किए, आहा दर्शन करते ही मन निहाल हो गया। प्यार से बोलो श्री। जित मिलिए मन होए आनंदा, सो सतगुरु कहिए, अंदर सच्चा नेंगो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। जब गुरु को सामने देखोगे ना, तुम्हारा तन भी निहाल होगा, तुम्हारा मन भी निहाल होगा। प्यार से बोलो श्री। तन की सारी थकावट उतर जाएगी और मन के सारे बुरे कर्म दूर हो जाएंगे जब अपने गुरु के दर्शन करोगे। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जा गुरु। बाबा अमरदास जी ने दर्शन किए, निहाल हो गए। आगे हुए गुरु अंगद देव जी के चरनी लगने लगे तो गुरु अंगद देव जी ने अपनी छाती से लगाया, कहा बाबा अमरदास आप हमारे सनबंदी हो, हमारे कुड़म हो, कुड़म कुड़म के पैरी नहीं पड़ता, गले से लगता है। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी ने मन में सोचा, जिस गुरु को मैं ढूंढ रहा था आज मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गए। प्यार से बोलो श्री। मन मानना होता है ना, जहां वहां पहली नजर में ही मान जाता है। जिन्होंने मोहब्बतें लगाई, प्रेम लगाया, सोच समझ के नहीं लगाया, अपने आप ही लग जाती। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, जहां मन मानना होता है पहली नजर में ही मान जाता। गुरु का दर्शन किया, मन मान गया, यही मेरे सतगुरु हैं। दो चार दिन रहे गुरु के पास, एक दिन गुरु अंगद देव जी कहने लगे, बाबा अमरदास जी अब आप अपने घर जाके बसो सुखी, दर्शन मेले हो गए, अब अपने घर जाके सुखी बसो। बाबा अमरदास जी रो के कहने लगे, सतगुरु मैं यहां कुड़म बन के, सनबंदी बन के नहीं आया, मैं यहां आपका सेवक बन के आया। प्यार से बोलो श्री। अब तो मेरा हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर रात आपकी सेवा में गुजर जाए, यही प्रभु से मांगता हूं। प्यार से बोलो श्री। गुरु अंगद देव जी ने कहा, बाबा अमरदास
जे गुरु के घर में रहना है तो टहल से महल है, जो सेवा करेगा दात उसको मिल जाती है। प्यार से बोलो श्री। बाबा अमरदास जी ने अपने सतगुरु गुरु अंगद देव जी की 12 वर्ष सेवा की। जल भर के लाना अमृत वेले, ब्यासा नदी से खंडूर की धरती पे 5 मील रोज जाना पैदल चल के, 5 मील आना अमृत वेले, जल की गागर भर के लानी और फिर अपने सतगुरु को अमृत वेले स्नान कराना। प्यार से बोलो श्री। कईयों ने भला बुरा भी कहा, पर जो गुरु के प्यारे होते हैं ना वो कहते हैं अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावे मार, लोगन की चतराई उपमा ते बेसंतर जार, कोई भला कहो कोई बुरा कहो हम तन दियो है डार। मैंने तो अपना तन गुरु के चरणों में गिरा दिया, अब कोई भला कहो बुरा कहो मुझे कोई परवाह नहीं। प्यार से बोलो श्री। कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है डार, कोई अच्छा कहो बुरा कहो, कोई भला कहो बुरा कहो हम तन दियो है डार। ऐसी सेवा की 12 वर्ष की सेवा का क्या फल मिला। बाबा अमरदास जी को एक दिन गुरु अंगद देव जी ने बुलाया, हृदय से लगाया और कहा बाबा अमरदास जी अब आप गुरु नानक की गद्दी पे बैठो। प्यार से बोलो श्री। आपकी सेवा आज सफल हो गई, आपने सेवा करके गुरु का मन जीत लिया। साथ संगत जिस तरह गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक जी की सेवा और सत वचन करके मन जीतिया, इसी तरह बाबा अमरदास जी ने 12 वर्ष गागर जल की ला के स्नान कराया अपने सतगुरु को, उनका मन जीत लिया। गुरु की खुशियां आज बरस रही हैं। बाबा अमरदास जी सतगुरु अमरदास जी बन गए, तीसरे गुरु नानक बन गए। जिस वक्त गोविंदवाल में आपने संगतों को तार रहे थे वो पंडित आज आ गया, बोला मैंने कहा था ना एक दिन आप अवतार जरूर बनोगे, उस दिन आके आपके यहां से झोलियां भर के जाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु ने कहा आपकी वाणी भी सच हुई, गुरु नानक के घर से खुशियां दे के उस पंडित को झोलियां भर के गुरु अमरदास जी ने भेजा। जो भी अपने सतगुरु के घर में आके विनम्रता से प्यार से मन करके चित लगा के सेवा करेगा, सतगुरु कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो में विचो जाए। आओ ऐसे गुरु पे बलिहार जाएं, जिसका जो गुरु है उसको मुबारक है, पर जे तू गुरु नानक का सिख है गुरु नानक का प्यारा है तो अपने गुरु नानक का आसरा रख। जो अपने सतगुरु का आसरा रखेगा उसको जीवन में कभी किसी दूसरे का मुख नहीं देखना पड़े। प्यार से बोलो श्री। आओ एक बारी सारे प्यार से ये शब्द गाएं फिर समाप्ति। ऐसे गुरु को बल बल जाइए जपो, बल जाइए बल 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 बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए
से गुरु को बल बल जाइए। बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। जब मोहे तारे हम बोलेंगे ना आप मुकत, आप सब बोलना मोहे तारे। बावा उचियां करके आज अपने गुरु को कहो हे गुरु मुझे भी तार लो, इस संसार सागर से भव सागर से मुझे तार दो, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं नहीं तर सकता। प्यार से बोलो श्री। दास ने पहले भी वचन किए थे, ये गुरु के वचन गुरु की कथा इसलिए हिंदी में करनी पड़ रही है क्योंकि ये गुजरात की धरती, बहुत सारी सिंधी गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत गुजरात की संगत बैठी है जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती। आओ प्यार से एक बारी अपने गुरु को पुकारें, आप मुकत मोहे तारे। दास बोलेंगे आप मुकत हे सतगुरु, आप तो मुकत हैं। सारे बावा ऊंचियां करके बोलना मोहे तारे, आज हमको भी तार लो, आपका दिन मनाने आए हैं सतगुरु, हमें भी भव सागर से पार कर दो। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। जाइए बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, देवहाड़ी सतवार, जिन मानस ते देवत किए, करत न लागी वार, आप मुकत, आप मुकत, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए, गुर बिन ज्ञान न हो, गुर बिन ज्ञान न होए, आप मुकत, आप मुकत, आप मुकत मोए तारे। ऐसे गुर को कृपा करो, ऐसे गुरु को
वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सारे बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। श्री हरे कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस एक बहादुर सिमरिए, घर नौ निदियावे थाए, घर आवे थाए, सब थाई होए कृष्ण, श्री हरे कृष्ण ते आइए। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना है, बाबा जी दा, महाराज जी दा, मुनि साहब समूह महापुरखां, आई सरबत गुरु नानक की प्यारी संगत। संत बाबा सुजान सिंह जी वचन करते थे, अपने गुरु की उस्तत करते हुए, अपने गुरु की तारीफ करते हुए कभी किसी के गुरु की निंदा मत करना, क्योंकि निंदा किसी की भी अच्छी नहीं होती। इसलिए गुरु के, संतों के चरणों में आके यही सीखना है, सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कीर्तन की समाप्ति, भुला चुका दी खिमा, सबका धन्यवाद, प्यार से फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मालका तेरा शुक्र मनाने हर वेले, मालका तेरा शुक्र मनाने, तेरा शुक्र मनाने, तेरा ही दिता खाने, हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने, हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने। दर तेरे तो दर तेरा लगे प्यारा गुरु जी, तेरा लगे प्यारा, दर तेरा लगे प्यारा, दर तेरे दी शोभा वखरी दिसे अजब नजारा, दिसे अजब नजारा,
से अजब नजारा गुरु जी लगता बड़ा प्यारा। दिसे अजब नजारा गुरु जी लगता बड़ा प्यारा। हर वेले हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने ना। शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। तेरा शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। तेरा शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। हर वेले हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने ना। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा गुरु जी। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा गुरु जी। क्या लागे मेरा गुरु जी जो किछ है सो तेरा। क्या लागे मेरा गुरु जी जो किछ है सो तेरा। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आ। शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। तेरा शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। तेरा शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने ना। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आवेता भूल न जावा तेरिया दितिया दाता नू। हर पल हर दम
शुक्र करा मैं कदी ना विसारा दाता नू कदी ना विसारा दाता नू मैं हर पल अर्ज करा कदी ना विसारा दाता नू मैं हर पल अर्ज करा हर वेले हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने तेरा शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने तेरा शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने तेरा शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने हर वेले हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने तेरा शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने हर वेले गुरु जी जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा
शिव जी सदा
शिवा।